दोस्तों लाइव रेड मारने आया हूँ। ये डरपोक औरत मैंने मैं डरपोक रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ पंगेबाजियों से। अरे चले डरपोक कहीं की, अरे यहाँ से ये माँ खराब पड़ी है। ये मत करो, मैं बोल रही हूँ बिल्डर है वो बहुत बड़े। अरे तो बड़ा बिल्डर होगा तो क्या हमें सच के साथ लड़ाई नहीं करनी आती क्या? अरे डरपोक चल। अरे मैंने मना करा ना यहाँ पे। 100 नंबर पे कॉल करूंगा, चौड़े में करूंगा। क्यों करोगे? ये कितने सारे बिल्डर जो लोगों को पागल बना रहे हैं ना। ऊपर चले, ऊपर चल, ऊपर चल। पापा मैं आ गया हूँ मैडम, दोनों कार्रवाई करता हूँ। क्या मैडम मालिक कौन है? बताओ मेरे को। अरे मैडम 3 बिल्डर का कार्रवाई करते हो तक मैं, ठीक है ना? चौथे आपके भाई साहब रहेंगे, कहाँ बैठे हो ये बताओ मेरे को। नहीं मेरे को ये बताओ पागल क्या बना रखा आपने, मेरे को मेरी बात सुनो आप। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी बिल्डर क्या? एक मिनट क्या, एक मिनट। नहीं नहीं कोई वो नहीं है यहाँ पे, परेशान कर रहे हैं। सच्चे मैम आपका भाई साहब? अरे भाई साहब मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया, आपको पता लगा कैमरा हो गया, मीडिया वाले अंदर आ गए, आपने उनको साइड में कर दिया। सुना आपने जनता को ये क्या बता रहा है कि मैं 15,000 में हाई लेवल के लग्जरी फ्लैट देता हूँ? हम देते हैं दोस्तों, लाइव रेड मारने आया हूँ। ये डरपोक औरत मैंने मैं डरपोक रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ पंगेबाजियों से। अरे चले डरपोक कहीं की, तेरी यहाँ पे सिट्टी बिट्टी खुल हो गई, बिल्डर के साथ ये करोगे करोगे। अरे यहाँ से दिमाग खराब करने में लगी पड़ी है, आइए यहाँ की घर पे बनती है तू शेर नहीं बस। जब कलेश होंगे ना आप निपटना। चल ना तू, कलेश होंगे यहाँ से निकलना, फोन नीचे रख। हाँ बैठो यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी ऊपर। मत करो, मैं बोल रही हूँ बिल्डर है वो बहुत बड़े। क्या हो गया तो केस करने की क्या बातें हो रही है यहाँ पे? आप क्या दुनिया के, आप दुनिया सुधारने के लिए पैदा हुआ है क्या? पापा से बात करता रुक जा, डरपोक। पापा की बातें मत करो यहाँ पे, सन्नी फंस जाओगे, बोल रही हूँ मैं आपको। अरे तो बड़ा बिल्डर हो गया तो क्या हमें सच के साथ लड़ाई नहीं करनी आती क्या? क्या सच के साथ? क्या आप ही दुनिया में बन रहे हो क्या? यहाँ पे फोन मत मिलाओ पापा को, मैं नहीं जा रही ऊपर आपके साथ। ऊपर से मुझे कह रहे तू वीडियो बनाइयो। 100 नंबर पे कॉल करूंगा, चौड़े में करूंगा। क्यों करोगे? कितने सारे बिल्डर जो लोगों को पागल बना रहे हैं ना, शांत बैठ जाए यहाँ पर तू, ठीक है ना? दिमाग मत चला आपने यहाँ पर। अरे कोई पागल नहीं बना रहे सन्नी, शांति रख लो, मत पंगेबाजी करो, छोड़ दो बात को, छोड़ दो। अरे डरपोक चल। अरे मैंने मना करा है ना आपको, परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। बदतमीजी मत कर यहाँ पर तू। नहीं कहीं नहीं जाना सन्नी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी हमारे साथ। पुलिस को बुलाऊंगा सीधा मैं। अरे आपकी पुलिस में क्या नाम है? सचिन गंभीर नाम बताया ना तूने, जनता को क्लियर तो होगा ना ये बिल्डर? क्लियर नहीं है भाई, मैंने बंदों से भी पूछा है, ठीक है सिस्टम, मत पंगे लो किसी से, मत पंगे लो। अरे ये देखिए बंदा जाने का, एक मिनट मैं क्या करेगी। अरे भारी आ तू, तमाशा पापा मैं आ गया हूँ, मैं रुक जाओ, मैं कार्रवाई करता हूँ। क्या मैडम क्या नाम आपका? दीक्षा। अभी रुक जाओ पापा, रुक जाओ मैं पहुँच गया हूँ, मैं कार्रवाई करता हूँ। मैं यहाँ तो बंदों की आवाज भी नहीं निकल रही, कैसे धीरे बात। क्या हुआ सर? नहीं मैं नाम बताओ ना। इच्छा नाम है सर। नहीं इच्छा किस, कैसी इच्छा? ये लोग पागल मारा आपने? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। मालिक कौन है बढ़िया बताओ मेरे को। सचिन गंभीर जी। अरे मैडम 3 बिल्डर का कार्रवाई करते हो तक मैं, ठीक है ना? चौथे आपके भाई साहब रहेंगे, कहाँ बैठे हो ये बताओ मेरे को। क्या हुआ सर? वो बताता हूँ ना क्या हुआ, छोड़ो यार। हाँ भाई साहब। हाँ जी मैं मालिक कहाँ किस। नहीं मेरे को ये बताओ पागल क्या बना रखा आपने, मेरे को मेरी बात सुनो आप। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं 15,000 में सचिन गंभीर प्रॉपर्टी बिल्डर इन्हें लग्जरी फ्लैट दे रहा है। हाँ जी 3 बिल्डरों पे ना भाई साहब, हिंदुस्तान में जो कार्रवाई बड़े मैंने करी है वो मिल जाएगा सर, हमारे पास मिल जाएगा आपको 1 BHK। अरे आप ही पागल बना रहे हो, कमाल कर रहे हो यार। जरूर जरूर सर मिल जाएगा, बताएं। अरे चलो हटा यार, कमाल है यार। एक मिनट क्या कोई वो नहीं है यहाँ पे, परेशान कर रहे हैं। सच्चे मैम आपका भाई साहब है जी, क्यों पागल बना रहे हो भाई साहब आप? क्या हुआ? नहीं मैं क्या देख रहा हूँ, ये 15,000 में फ्लैट दे रहे हो आप? नहीं ये फर्जी पेपर लेके घूम रहा होगा ना भाई, ये पक्की रजिस्ट्री है भाई। अरे भाई साहब छोड़ो ये, आप इसको बाहर के भेज रहे हो देखकर ये बताना। नहीं नहीं मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि आप। अरे भाई साहब मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया, आपको पता लगा कैमरा हो गया, मीडिया वाले अंदर आ गए, आपने वो साइड में कर दिया। भाई साहब ये नकली प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं। छोड़ो आप एक बार इधर जाओ, एक बार आप इधर बैठ जाओ। नहीं नहीं आप इधर आओ, एक बार इधर आओ, ये पकड़ो एक बार। नहीं छोड़ो इसको भाई साहब, ये बताओ भाई आप बैठो सही। नहीं मेरी बात सुनो ना, आपने जनता को ये क्या बता रहा है कि मैं 15,000 में हाई लेवल के लग्जरी फ्लैट देता हूँ? हम देते हैं 1 BHK। अच्छा उसमें पूरा वुड वर्क होगा? अच्छा सारी चिमनी लगी होगी? ठीक है। बढ़िया टाइल लगी होगी? अच्छा सारा उसमें पूरी POP की फिनिशिंग होगी? ठीक है। प्लास्टिक पेंट मिलेगा आपको? हाँ। ब्रांडेड सीट लगी होगी? अच्छा वुड वर्क कंप्लीट होगा, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन देंगे आपको 1 BHK का फ्लैट 90% लोन। 15,000 में दोगे आप? 15 लाख रुपए का
15 लाख रुपए का जो टोकन जो डाउन पेमेंट है वो 15,000 रुपए। पहले बुकिंग 11,000 रुपए में करते हैं, 15,000 रुपए नहीं, आप 11,000 रुपए दीजिए, आपको हम फ्लैट बुक करेंगे, आपकी लोन की फाइल डालेंगे, लोन का सेक्शन आएगा, तब हम बाकी हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। भाई दरादू भाई, तू पहले बता, ये तुम्हारे मालिक है जी सर, तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाते हैं कि लोगों को कैसे कैसे करके घुमरा करना है? ऐसा कुछ नहीं बताते सर, ये बिल्कुल पक्की रजिस्ट्री है। और सचो मेरे अच्छा जी, मैं पहले समझ जाऊंगा सर आपसे। जी जी बताना ये हमारा ऑफिस पिछले 30 साल से यहीं पे है। अच्छा, बल्कि 30 के भी 35 साल हो गए। अच्छा जी, ठीक है, हम यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम LIG, MIG, HIG ये लो जी पकड़े गए भाई साहब। हाँ जी, इतना ना भाई साहब, ये लो पकड़े गए, मैं ये तो पकड़ ला भाई को, मैंने इन्होंने क्या बोला, मैं सेवा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी है, ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप कह रहे प्रॉपर्टी डीलर हो। मैं तो बिल्डर हूँ भाई साहब, मैं प्रॉपर्टी डीलर तो ही नहीं। फिर आप सेवा कैसे कर रहे हो? मैं उनको लो बजट में अच्छी हाईटेक बिल्डिंग बना रहे। ये बोल रहा भाई साहब, तो सेवा ही तो होती है यार, आप भी गलत बात कर रहे हो ना। होता है लो इनकम ग्रुप, MIG का मतलब होता है मिडिल इनकम ग्रुप, HIG का मतलब होता है हायर इनकम ग्रुप। तो हमारे पास 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक के सारे फ्लैट अवेलेबल है। अच्छा। हर तरह के फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है, जो आपको एक लग्जरी फील कराएंगे, और दिल्ली शहर में पक्की रजिस्ट्री और 95% लोन भी करा देंगे। ओ तेरी। हाँ जी, मैं समझ आऊंगा सर, मेरे को पता क्या लगा, सेवा में ना लोगों को खाना खिला रहे हो। सॉरी। अच्छा, इतने बड़े बिल्डर हो भाई साहब? नहीं, हम तो बहुत छोटे बिल्डर है, लेकिन भगवान की दया है, अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिक जाते हैं, सन्नी लोग हमें प्यार करते हैं। इनका नाम तो मैंने बहुत सुना है। तो तूने पहले भी बताया? अरे तो नाम सुना है तो गलत भी तो हो सकता था, वही तो प्रूफ लेने आई थी मैं यहाँ पे। अच्छा, तो अपने ऑफिस बना रखा मैंने, सुनने में ऐसी आप फ्लैट बना के देते लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, इतने तगड़े तगड़े फ्लैट। हाँ जी, सचिन गंभीर, ये आपका एड्रेस कहाँ पर है भाई साहब? ये हमारा ये कार्ड है, हमारा द्वारका मोड़ पे ऑफिस है, B20 रामा पार्क रोड, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। मेरे को ये बताओ भाई साहब, मेरी जो जनता है ना, गोवा से है, जयपुर से है, दिल्ली से है, पता नहीं कहाँ कहाँ से है, मेरे बहुत सारे भाई सारी जगह फैले हुए हैं। ये बताओ, अगर कोई बंदा घर बैठे बैठे देखना चाहता है कि आपके फ्लैट कैसे, तो कहाँ पे देखेगा, ये बताओ मेरे को। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस गंभीर बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड पर देख सकते हैं। अच्छा। आपको सब तरह के हम जो फ्लैट बनाते हैं, हम सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। अच्छा। उसमें हमारा सेल्स टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल व्हाट्सएप द्वारा भी मंगवा सकते हैं। सनी एक सेकंड, बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूब पे फेक चीजें भी दिखाते हैं। हाँ हाँ, वो चीज मेरे को सही नहीं लगी। ये क्या कह रही है मेरी वाइफ, ये कहना ये कह रही है कि कई यूट्यूबर्स ने क्या कर रखा है, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो बना रखी है फ्लैटों की व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, और बाद में जब बंदा कहता है ये, वो कहते निकल गया। हमारे में सारी चीजें ओरिजिनल है। ओके, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। हम यहाँ पर कम से कम 100 प्रोजेक्ट अपने सबको हम डिलीवर कर चुके हैं। अच्छा। आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, सब लोग सेटिस्फाइड हैं, और हम जितनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपको एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब में हमारे डाउन बीम्स रहते हैं, और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है अदर बिल्डर। अब ये बताओ भैया जनता को, आप ये फ्लैट बनाते किस जगह पर, उत्तम नगर या द्वारका मोड़ या नवादा या द्वारका, कहाँ कहाँ पर? उत्तम नगर का ही पार्ट है आपका, नवादा भी, द्वारका मोड़ भी, मोहन गार्डन भी, रामा पार्क भी, हम ज्यादा प्रोजेक्ट अपने उत्तम नगर में ही बनाते हैं। और इसके साथ हमारा जो द्वारका में एरिया है, जो मेट्रो स्टेशन है, ये टचिंग है हमारा। मेरे को सुनने में आया कि सारे के सारे तगड़े फ्लैट आपके मेट्रो के बिल्कुल पास में है। हाँ जी, ये सच बात है भाई? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर बात। तो वो जो लास्ट में रेंट पे रेंट लगता है, जैसे बाहर निकलने के लिए इतना टाइम लगता है, तो वो भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑन रोड मिल जाते हैं। तो जनता को तो फायदा हो गया भाई साहब, कि फ्लैट से बाहर निकली और मेट्रो में चढ़ गई, और उस पे आपको 95% लोन मिल गया। मान लीजिए अगर आप अपने 2 BHK का फ्लैट लेते हैं हमसे 25 लाख रुपए का, और आप बाहर रेंट पर 20,000 रुपए दे रहे हैं, उसी 20,000 के इंस्टॉलमेंट पे हम आपको 23 लाख का लोन करा। ये हमारे सेल्स टीम हेड है मिस्टर आशीष। अच्छा, ये सारे, हाँ, ये टेक केयर करते हैं। ओके भैया तो डर गए थे कि हो क्या गया, अंदर घुस कौन रहा है। काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं, कई बिल्डर ये पागल बना रहे हैं, वैसे पागल बना रहे हैं, मेरे को लगा यहाँ पे कार्रवाई हो जानी चाहिए एक बार। नहीं 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 भाई साहब, ऐसा है, पागल बनाने वाली कोई बात नहीं है जी। मैंने आपको बताया 30 साल से हमारा ऑफिस है, ये इसी नाम से है, और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और सब प्रोजेक्ट्स आप हमारे ऑनलाइन जो मान लो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और हमारे सीरियल टीम हेड मिस्टर आशीष से सारी क्वेरी कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ों के व्हाट्सअप फोटोज
और लाइव वीडियो भी कहोगे तो लाइव भी दिखा देंगे आपको। नहीं मेरे को ये बताओ भाई साहब, किसी एक परिवार ने आपसे डिमांड कर दी आपकी टीम से कि हमें तो अपने तरीके से इंटीरियर बनवाना है, तगड़ा फ्लैट बनाना है, देखो जी ऐसा बनवाना है, वो वीडियो लेकर आ जाए, फोटो लेकर आ जाए, बना दोगे आप? आ जाएगा तो हम उसको जो वो वीडियो लेके आते हैं हम देखते हैं। कस्टमर की बात सुनना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर भगवान का रूप है, हमने उनकी सारी बात सुननी है, आने के बाद वो देखते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, हम उसको अपने बने हुए फ्लैट बेटर दिखा देते हैं, वो अपना इंटीरियर ही भूल जाता है, ओ तेरी, वो अपना इंटीरियर भूल जाता है, वो कहता है भाई साहब आपने तो मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेटर काम कर रखा है, एक बार सेवा का मौका तो दीजिए मेरे को। तो वैसा आप क्या, मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा एक फ्लैट आप भी ले लीजिए हमारा। अच्छा जी, तो एक काम करो भाई साहब, जैसा आपने ये महल की तरह बना रखा ना अपना ऑफिस, हाँ जी, तो ऐसा फ्लैट दिलवाओ आप। दे देंगे भाई साहब। कहाँ पे? यही आपको होम बिहार में दे देंगे, उत्तम नगर मेट्रो के पास। मेट्रो के पास मिलेगा पक्का जी। डी ब्लॉक में हमारी बिल्डिंग रेडी टू मूव है, 4 BHK है, लग्जरियस फ्लैट है, वाह जी वाह, फर्नीचर है। भाई साहब ये बताओ आपने महल की तरह ऑफिस बना रखा है, मैं कह रहा हूँ आज तक किसी भी मैंने बिल्डर का ऐसा ऑफिस नहीं देखा यार। तो दोस्तों भैया के पास आओ, तगड़ा फ्लैट लो, लग्जरी फ्लैट को बनाता है, मैं कह रहा हूँ पैसा बनाते हैं गारंटी के साथ, ऐसा फ्लैट आपने आज तक देखा नहीं होगा, तगड़ा तहलका वाला फ्लैट। कितने कम पैसे में? कम से कम पैसे में यार, रेंट पे कितने भाई जत्ते खा रहे हैं यार, रेंट भर रहे हैं 28,000 भैया, 35,000 40,000, कोई फायदा भी है? कोई फायदा है उन्हीं के लिए तो हम बैठे हैं कि उनका हम रेंट बचा सके और वो EMI में चला जाए उनका पैसा, और उनका अपना 10-20 साल बाद उनका मकान अपना हो जाए। और रेंट का रहने में अलग चीज है, अपने मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको लग्जरी चीज देंगे वो हमारे को और कस्टमर देंगे आगे। भैया एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी, मेरे को ना अपना ऑफिस ऐसा बनाना है जैसे अपने बना रखना महल जैसा, एक बार ऑफिस देख लो। हाँ भाई साहब, पक्का ऑफिस है भाई साहब, ठीक है, मजा आ गया, मैं कह रहा हूँ बढ़िया ऐसा ऑफिस है ना, मैं कह रहा हूँ पूरा देखना मैंने यार, एक मिनट यार जरूर देखना, ऑफिस दिखाओ यार मेरे को ना, अपना ऑफिस ऐसा ही बनाना जैसे भैया का यार, भाई साहब बहुत मोटा पैसा लगा रखा यार। दीपिका ओ तेरी जबरदस्त यार, ओके। नेक्स्ट हमारा ये सर अपना जो है ऑफिस का, यहाँ पे सोफा देखो, सोफा लग्जरी सोफा, ये रिसेप्शन का एरिया है। वाह भाई वाह, दीपिका इतना सुंदर ऑफिस। दीपिका दीपिका पहले मैडम को सॉरी बोल दो, बोलो प्रैंक करने आए थे हम। मैं तो सॉरी क्या बोलो, मतलब कुछ सही हो गए होंगे, प्रैंक चल रहा था तो भाई ब्रांड ही चल रहा था, मेरे को शक था वो हम पूरा करने आए थे। हमारा दूसरा सेल्स का केबिन है, यहाँ पे मनीष जी हैंडल करते हैं टीम को, बहुत बढ़िया। ये सर हमारा अकाउंट का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो भी अकाउंट से रिलेटेड काम होता है वो यहाँ पे होता है। दीपिका ऑफिस देख कैसा लगा ये बता मेरे को, तो बस मजा आ गया, मजा आ गया। सचिन गंभीर नाम ही काफी है भाई, सोच के सब लगाया हुआ है, ऐसे ही सोच सोच के इन्होंने आपके लिए फ्लैट बनवा रखे हैं, तो फटाफट से आ जाओ और अपना घर बना लो, क्यों किराए भर रहे हो यार। सो गाइस अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, सिर्फ बोल रहे हैं तो आपको इनका वर्क दिखाते हैं कि इन्होंने कितने सुंदर तरीके से सारे, ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ वाला बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया, और नहीं 15 लाख वाला भी इन्होंने उसी तरीके से डिजाइन करा, उतना ही उसे सुंदर बनाया है। तो थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाती हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और फटाफट से क्लिप देखो, देखो कितना सुंदर है। तो फटाफट से आप भी ऐसा वाला घर ही बुक करा सकते हो, और फटाफट से आओ किराए के पैसे हटाओ और उसी को EMI बना के इतना सुंदर फ्लैट ले लो। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तेलका मचाता है ये, तेलका मचाए।